शेजा पास से बाहर ले जाता है, वो भी एक ऐसी मौका है जहाँ पे लोग एक फाइव स्टार रेस्टोरेंट में है। हम पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे तक हमारे को फंड से नहीं पहुंचाए जाते और फिर हमारे को गुमराह करके छोड़ दिया गया है कि जो है हिंदू मुस्लिम, हम मुस्लिम है, हमारे ऊपर हिंदू ताकतें हमला करेगी, कोई किसी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हिंदू अपनी जगह पे अपने बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचने से उन्हें परेशान है, हम हमारी जगह बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचने से हम परेशान है। सिर्फ मिल मिल के आया, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपके सिर्फ आपको वोट देंगे। उसकी वजह ये है कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर चाहते हैं, इतना बड़ी बस्ती है हमारी बाबा नगर की, यहाँ पे 5 साल हॉस्पिटल आराम से लगा सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्ती हॉस्पिटल लगना चाहिए जहाँ पे मेडिसिन भी फ्री और डॉक्टर भी फ्री। अगर कोई गरीब आदमी अपना खाना खा के जी भी लिया, उसके बीमारी आ गई, तो उसको फ्री मेडिसिन और फ्री डॉक्टर रहने से वो आसानी से 2-5 करोड़ का काम खत्म कर लेगा। मगर आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल इस वजह से ज्यादा लगाए गए हैं, जैसा आदमी जाएगा उसको पता लगेगा, पहले ब्लड टेस्ट लो उसका, फिर वो टेस्ट लो, ये टेस्ट लो, 5,000 जमा करा लो, वो 5, फिर 5, उसके बाद उसके 1 महीने की तनख्वाह खत्म। इतने हादसे हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारी बुनियादी चीजें जो गवर्नमेंट से आसानी से मिल सकती है उसे रोका जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, इतनी बड़ी बस्ती है, इसके अंदर 8-10 गवर्नमेंट स्कूल छोटे छोटे ही रह जाना था, जहाँ पे आला तालीम की तरह वहाँ पे बुनियादी सहूलतें रख सकती गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट गरीब नहीं है, एक टाइम था बहुत गरीब थी, हर आदमी टैक्स दे रहा है, हर आदमी यहाँ का टैक्स दे रहा है। एक आदमी कम से कम 50,000 से 2 लाख रुपए हर महीना पे हर साल टैक्स देता है। अरे भाई तो गरीब को कहां से दूंगा, आप टैक्स दे रहे हैं, आप कपड़ा खरीद के तो आपका टैक्स जाता है, आप जूता खरीद के आपका टैक्स जाता है, आप चावल खरीद के उसमें टैक्स लगता है, आप तेल खरीद के उसमें टैक्स लगता है। आप हिसाब करेंगे तो साल में कोई 50,000 कोई 2 लाख और ये 2.5 करोड़ में चला जाता है। एक 5 लाख आदमी का जो खर्चा होता है ना, लाखों रुपए के होता है और लाखों जाके 2.25 करोड़ में चले जाता है। उसमें से अगर हमारे को 30% भी अगर दे देना, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह रोशन और खुशहाल मुल्क बन जाएगा, खुशहाल इस समय बन जाएगी। मगर हमारे पास वो सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये एक चीज निकाल के छोड़ दी गई है कि बस कोई हमारे सामने आना नहीं, कोई ठहरना नहीं, कोई जीतना नहीं, कोई मगर आपके बीच कोई आदमी आदमी या ढीला आदमी या कोई कमजोर आदमी आके आपकी ख्यादत नहीं पूछ रहा है। आपके बीच आके फौलादी सीना रखने वाला और कंप्यूटर का दिमाग रखने वाला और हर चीज से टक्कर लेने वाला आपके बीच आके खड़ा है। और अगर आप इस इंसान को, इस आदमी को, इस ईसा मिश्री को और ताकतवर बना सकते हैं तो आपकी मेरे से बड़ी ताकत आपके पास है। जो वो आपकी ताकत है वो एक ओट की शक्ल में है और ईसा मिश्री एक ऐसा पॉलिटिशियन है इस तेलंगाना में बल्कि इंडिया में पहली बार आवाज उठाया कि कोई मुझे बोकस वोट ना डाले। अगर आप बोकस वोट डालेंगे तो मैं अल्लाह ताला के लिए बोलूंगा, मैं तो साफ इंकार किया था, मैं तो उनका अपना खुशी वोट मांगा हूँ। अगर वो वोट हटा के तो जो इस किस्म की बात करता है वो ना वो हराम खाएगा ना हराम खाने देगा। और हराम खाना खिलाना तो बहुत लोग आप जो है तेरे के अंदर आज इस चाल में आए अपना सारा गले 50,000 लाए स्टार्ट कर डाले चले गए। हम और उनको वोट इंशाल्लाह हमारी आवाम जा चुकी है, अब हम उन्हें वोट देने वाले नहीं। मैं लोगों से एक एक बच्चे से एक वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं से सबसे मैं मिला हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ 4 लोग आगे 5 लोग आगे जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, समझ भी नहीं आता के छोटे भाई उनके नाम तो नहीं मालूम, सलाम किए साइड में ठहरे, एक फोन निकालती है, चारों ठहर गए। हम तो पूरा अमन शरीफ से ना हमारे पास ढोल बजा रहे ना बजा, हम आवाम के बीच उनके क्या प्रॉब्लम्स है और हम क्या करते हैं वो बताते हुए जाए। पीछे से आए नारा लगाना शुरू कर दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्यों भाई आप जब पदयात्रा करे तो हमारे कोई आदमी आ गया आपको डिस्टर्ब कर रहा, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे, क्या जमहूरियत ही है हमारा हक नहीं है करने का? आवाम को अगर हम पसंद नहीं आए तो वोट नहीं देगा, तुम क्यों कर रहे? डरता कौन है बताइए? ये आवाम से घबराए हुए है क्योंकि ये काम नहीं किए, कहा हमारे हमारा काम तमाम कर देती है और न्यायालय इनको ही रोको, पहले बैरिकेड डाल दो तो 25 औरतों को ठहरा दो वहां पे बैरिकेड।
बड़ा करता हूँ मैं इसको भड़काओ भाषण ये बेकार की बातें मैं उसका बाप हूँ उसके बाप को हराया मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इस वजह से यहाँ पर भेजा है सबसे पहला मेरा इंटरव्यू TV9 और TV1 वाला लिया आते ही मुझसे सवाल किया अरे भाई आप तो अभी अभी इलेक्शन में आए आपको तो पॉलिटिक्स का तजुर्बा भी नहीं है सामने आपके बहुत बड़ी चट्टान है और तजुर्बा भी है 4 टाइम्स MLA भी है अब आप कैसा उनसे मुकाबला करेंगे